पर संभल के चंदोसी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के परिवार का संभल से सीधा नाता है। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे इंद्रजीत मुखर्जी की शादी सराय तरीन के मोहल्ला गढ़ी निवासी डॉक्टर जगदीश लाल अरोड़ा की बेटी सुगंध के साथ हुई है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति का संभल आना कभी नहीं हुआ, लेकिन इन रिश्तों से संभल और चंदोसी के कुछ लोगों को उनके करीब तक जाने का मौका जरूर मिला। उनके निधन की खबर से रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई। चंदोसी निवासी डॉक्टर सुशील कुमार मल्होत्रा पूर्व राष्ट्रपति के बेटे इंद्रजीत मुखर्जी के बड़े साड़ू हैं। उन्होंने बताया कि सुगंध की शादी का समारोह 22 नवंबर 2004 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। संभल से सुगंध के परिवार के सभी लोग और चंदोसी के रिश्तेदार दिल्ली गए थे। शादी समारोह में प्रणब मुखर्जी सभी से सादगी से मिले। उस समय वे देश के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर सुशील ने बताया कि सरल स्वभाव के कारण उनसे अन्य मौकों पर भी मुलाकातें हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न मिलने के दौरान समारोह में शामिल होने वे भी दिल्ली गए थे। जुलाई में दिल्ली जाकर भी उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था। उनका निधन परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं सराय तरीन में प्रणब मुखर्जी के न रहने से लोग अवाक हो गए थे। सुगंध के परिवार से जुड़े सराय तरीन के लोग अस्वस्थता के समय से प्रणब मुखर्जी का हाल जानने के लिए दिल्ली में रह रहे सुगंध के भाई डॉक्टर अतुल अरोड़ा से फोन पर बात करते रहते थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे साले डॉक्टर अतुल का अब संभल में आना कभी कभी ही होता है। शाम को प्रणब मुखर्जी का दुख समाचार सुनकर पूरे शहर में और हम लोगों के परिवार में एक दुख घड़ी, जो कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जो कि मेरे साली साहब के ससुर लगते हैं और काफ़ी दिनों से कोरोना से भी पीड़ित थे और उनको ब्रेन इंजरी होने के कारण जिनकी उम्र 84 वर्ष की थी, अब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे।